सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द यू मैनेजर के एक और खूबसूरत व्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को जो सारे के सारे पार्ट्स को भाई आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है। गाइस बताना चाहूँगा कि भाई ये राइड शुरू हुई थी पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए, ठीक है ना। तो भाई जिसने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो जाओ पुराने पार्ट, फिर यहाँ पर आओ। सो गाइस इस वाली सीरीज का ये 10वां भाग है, पार्ट 10। आई होप कि ये वाला भाग भी आप उतना ही पसंद करेंगे जितना आपने भाई प्यार दिया है पिछले एपिसोड्स में। तो गाइस हम जो है कि भाई निकल चुके हैं मधकोट से और ये कच्ची रोड फिर शुरू हो चुकी है। भाई साहब इस रोड पे आपका जो है ना भाई बैंड बजने वाला है, हर मोड़ पर परीक्षा है यार। भाई साहब मैं क्या बताऊँ आपको, और जो ये फिसलन वाली मिट्टी है ना गाइस, इसमें जो टायर रपता है ना भाई साहब, पिछला टायर मैं क्या ही बताऊँ यार, टू व्हीलर के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है यार। भाई साहब जगह जगह पे बजरी चिकनी मिट्टी, और हर एक मोड़ पर हॉर्न तो ज़रूर ही देना है आपने, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधे बैंड हैं यार, पता नहीं आगे से क्या ही आ जाए। तो समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत सावधानी। वैसे सच बताऊं तो दोस्तों मज़ा भी आ रहा है, थोड़ी सी डर है, थोड़ी सी झिझक भी है, तो यार यही तो नया एक्सपीरियंस है ना यार। और भाई साहब एक चीज़ तो मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा यार, इस वाली सीरीज़ में भाई जितना मैंने सोचा था ना उतना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उतना आप प्यार दे रहे हैं, तो यार आपकी ही दी हुई पावर है यार, जो हम भी ये काम कर बैठते हैं भाई जिगर हाथ पर रख कर। तो जब भी इस वाली रोड पर या पहाड़ की किसी भी रोड पर आप गाड़ी चलाएं गाइस, खासकर ऐसी खतरनाक रोड पर अगर आप गाड़ी चलाएं, तो ध्यान रखिए कि आप ज़बरदस्ती पास ना लें किसी भी वाहन से, ना टू व्हीलर से ना बड़ी गाड़ी से। और यहाँ पर गाइस ऐसे गाड़ी रपटते हैं, बाप रे बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी, ओए होए 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 आराम से कोई मत। फिर तन्हाइयों ने तुझको याद किया, फिर तन्हाइयों ने तुझको याद किया।
भाई साहब मेरा तो भाई मुंह ही बंद हो गया, मैं कांप रहा हूँ मैं अंदर से भाई साहब, ऐसे गाड़ी स्लिप हो रही थी ना, मैं क्या बताऊँ आपको भाई, ओ माय गॉड। और भाई आगे जो है कि गाड़ी से मैंने लेना है पास, तो जहाँ पर भी देंगे उस्ताद वहाँ पर हम लेंगे पास, क्योंकि ज़बरदस्ती पास लेना नहीं चाहिए। और हाँ एक बात का हमेशा याद रखना गाइस, जब भी आप गाड़ी से पास लेते हैं ना तो भाई हॉर्न दे देना पास लेने के बाद, ये धन्यवाद है भाई, ठीक है ना। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा होगा, अभी देखना आप, जैसे ही मैं इस गाड़ी से पास लूँगा तो मैं इनको धन्यवाद कहना चाहूँगा, यानी कि हॉर्न की ज़ुबान से, क्योंकि भाई गाड़ी चल रही है तो मैं ज़ोर से तो नहीं बोलूँगा धन्यवाद या थैंक यू, हाँ हॉर्न बजाऊँगा अपनी बाइक का, और उसका अर्थ ये होगा कि मैं आपको दिल से तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये चीज़ का आप भी याद रखना। जय दी गाँव मतकोट। इन वादियों ने तुझको फिर से याद दिला दिया, याद दिला दिया। सो गाइस हम यहाँ पहुँच चुके हैं भाई, गांव है मुनसारी से थोड़ा पीछे, लगभग 20-25 किलोमीटर पीछे। तो यहाँ पर भाई थोड़ा बहुत मुंह मीठा और चाय वाय की चुस्की ली, और भाई कुछ नए दोस्त भी मिले, उनसे बातचीत हुई, कुछ अपना इंट्रोडक्शन दिया और कुछ उनसे इंट्रोडक्शन लिया। तो काफ़ी अच्छे लोग थे, ये रहे बैठे हैं मेरे सामने, तो ढेर सारी बातें हुई। और जो इस होटल के मालिक हैं उन्होंने भाई हमें गरम गरम चाय पुए मीठे वो खिलाए, और भाई साहब मज़ा आ गया, क्योंकि भाई हम भीग चुके थे, तो भाई हमने जो है कि गरम गरम चाय तो पीनी थी, तो हमने 2 कप गरम चाय यहाँ से मंगा ली थी। अंको भी बाहर गया यानी कि सुसु ब्रेक करने, और मैं यहाँ पर गपशप लड़ा रहा हूँ। तो देख सकते हैं भैया लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं दोस्तों, बहुत प्यारे लोग हैं, हेल्पफुल लोग हैं। और कहते हैं ना, आप सही तो जग सही, अगर आप अपनी जबान सही रखेंगे ना तो दुनिया आपके लिए मेरे हिसाब अच्छी ही रहेगी। गाइस जब जब मैं भाई ये नीचे पहाड़ों में देख रहा हूँ ना, तो भाई जान हलक पे आ जा रही है, मतलब इतनी गहरी खाई है ना दोस्तों यहाँ पर। बस यार एक ड्रोन की कमी है, अगर ड्रोन होता ना तो मैं यहाँ पर ड्रोन उड़ाता और दिखाता कि भाई हम किस तरीके की ख़तरनाक और डेडलीस्ट रूट पर सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि नीचे ना कई हज़ार फुट गहरी खाई है गाइस। ये पिलर आप देख सकते हैं ना साइड में, इसलिए तो बनाए हैं ताकि भाई खुदा ना खास्ता कभी कोई दुर्घटना ना हो, और बीच बीच में जो ये ख़राब पैच आते हैं ना तो ये थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि आप एक स्पीड में होते हैं तो आपने एकदम से मेंटेन करनी पड़ती है अपनी बाइक। तो हॉर्न बजाइए, देखें एकदम से गाड़ी आएगी अभी आगे से ये, तो भाई पहाड़ में हॉर्न ज़रूर बजाएं मोड़ों पर।